स्ट्रेटजी बन चुकी है, लाइक गाने सबसे पहले हिट हो जाते हैं, उसके बाद फिल्म देखने जनता जाती ही जाती है, इससे आप कितना डिफर करते हैं आजकल? क्या वो बस वो तो जब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बनी तब से चल रहा है। आई थिंक मैं यहाँ पर होता ही नहीं अगर अगर मेरे गाने हिट नहीं होते। मैंने स्टार्टेड मैं खुद यंग था, 22 साल का था और न्यू कमर्स थे मेरे पिक्चर में। अगर मेरे गाने हिट नहीं होते तो लोग कभी मुझे एक चांस ही नहीं देते करियर में, चाहे वो बोल हमें बातें हो, चाहे जिया धड़क धड़क हो, चाहे आदत हो। और मेरा ही क्या, आशिकी 1 से आई थिंक वो न्यू कमर जब आए थे, वो तब से जब गाने हिट होते तो लोग जाके पिक्चर देखते थे। सो इट्स नॉट समथिंग न्यू दैट आई एम ट्राइंग, इट्स ऑलवेज बीन देयर, विल ऑलवेज गो ऑन। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विदाउट म्यूजिक विल नॉट एग्जिस्ट। इस पिक्चर में तो मैंने वो भी एक्सप्लोर किया। इस वक्त मैंने इसको इस फिल्म में इसको 5 माले की बिल्डिंग से भी खुदाया, इस फिल्म में मैंने इसे एक्शन भी कराया। तो आई थिंक बेसिकली आई फील लाइक मैं जो भी इनसे बोलती हूँ कि प्लीज मुझे ये करना है, ही जस्ट मेक्स इट हैपन। सो दैट्स आई मीन अमेजिंग। व्हाट विश ऑफ माइंड डू आई वांट मोहित टू मेक कम ट्रू नेक्स्ट? अभी विश लिस्ट बनानी पड़ेगी लंबी वाली, बिकॉज वट एवर आई हैव रिक्वेस्टेड हिम एंड सेड दैट मोहित आई रियली वांट टू डू दिस और you know let's try this, he's just made it happen, so let's see.